नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ रजत मित्रा जी, इनफिडेल नेक्स्ट डोर बुक के राइटर, प्रोफेसर हैं, अध्यापन का कार्य करते हैं, साइकोलॉजी इनका सब्जेक्ट है। आज हम एक विशेष चर्चा के लिए इनके पास आए हैं। रजत जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार रजत जी। दिल्ली को लेकर आपकी एक पोस्ट मैंने पढ़ी कि दिल्ली के अंदर कोई भी बड़ा मिडविल पीरियड का हिंदू मंदिर आज दिखाई नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं बड़े मंदिर का ना होना क्या संकेत दे रहा है? किसी आपका पहले तो आपका धन्यवाद, और एन ऑनर फॉर मी, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं इस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ जो मेरा बहुत ही प्रिय विषय है। मैं इसके बारे में मैंने काफ़ी खोज की है। मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ, इंग्लिश में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और मेरा काम है हर किसी इशू को एक मनोवैज्ञानिक ढंग से, मनोवैज्ञानिक एंगल से देखना। तो विश्व में ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो हिस्ट्री है उसको मनोवैज्ञानिक लेंस से जब हम देखते हैं तो बहुत सारी बातें उभर के सामने आती हैं जो इंडिकेट करती हैं, संकेत करती हैं कि बहुत कुछ रहा होगा। तो मैं आज मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही जो है इस विषय में बात करना चाहता हूँ। तो मेरे, अगर आप अनुमति दें तो मैं छोटा सा वो एक किस्सा बताना चाहूँगा। मेरे पिताजी जो थे वो शिक्षक थे, वो भी तो बिरला मंदिर के साथ ही जो है उनका स्कूल था। तो अक्सर मुझे वो बिरला मंदिर हमारा आना जाना रहता था। हरकोट बटलर नहीं, रायसीना बंगाली स्कूल। ओके। तो वो वहाँ पे वो अंग्रेजी के शिक्षक थे। तो जब अक्सर मैं वहाँ जाता था तो वो मुझे ले जाते थे वहाँ पे। तो एक बार मैंने जो है, दो टूरिस्ट थे वहाँ पे, वो अपने गाइड के साथ बात कर रहे थे, मैं उनके साथ बैठा हुआ था। तो मैंने उनसे बात करते हुए सुना कि इज दिस अ एंशिएंट टेम्पल। तो गाइड वो कह रहा था बिगेस्ट टेम्पल, जैसे गाइड्स भाषा में अपनी बात करते हैं। तो उन्होंने कहा नो, दिस इज़ नॉट एन एंशिएंट टेम्पल, दिस वॉज बिल्ट इन 1939, राइट? सो वी टोल्ड यू टू शो अस अ एंशिएंट टेम्पल, अ बिग टेम्पल, बिकॉज उन्होंने हिंदुइज्म के बारे में, जैसे मुझे याद है उस कन्वर्सेशन का, कहते वी हैव रेड सो मच अबाउट हिंदुइज्म, हिंदुइज्म मेक्स, यू हैड शिल्प शास्त्र विच मेक्स वेरी लार्ज टेम्पल्स, वी हैव सीन ह्यूज टेम्पल्स इन साउथ इंडिया, बट एवर सिंस वी हैव कम टू नॉर्थ इंडिया वी डोंट सी एनी लार्ज टेम्पल्स। तो वेर आर द एंशियंट लार्ज टेम्पल, दिस इज अ न्यू टेम्पल। और मैं आज से 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, राइट? तो उस वक्त वो मंदिर मुश्किल से 30 या 40 साल पुराना था। तो दे सेड वेर आर द मेडिवल टेम्पल्स इन दिल्ली, लाइक द वंस विच एग्जिस्ट इन साउथ ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कहा कि जो गाइड जो है ना, वो पूरी तरह से जो है बौखला गया। उसने कहा नहीं नहीं, दिस इज़ द ओनली बिग टेम्पल। तो वो गाइड बुक को कंसल्ट कर रहे थे जैसे वाइट टूरिस्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा या दिस इज़ द ओनली टेम्पल रिटन ओवर हेयर, सो एंड इट इज़ मेड इन 1939। सो यू मीन टू से देर आर नो ओल्डर टेम्पल्स दैन दिस? उन्होंने कहा कि वी कम फ्रॉम यूरोप, कुछ ऐसे ही देश का नाम मुझे याद नहीं इतने दिनों बाद। तो इन आवर प्लेस वी हैव ह्यूज चर्चेस, वी हैव विच डेट्स बैक टू सेंचुरीज, सो व्हाई इट इज़ देयर नॉट इन योर सिटी? तो ये मुझे कन्वर्सेशन याद था। फिर मैंने अपने पिताजी से पूछा, वो हिस्ट्री के टीचर, इंग्लिश के टीचर थे, तो उन्होंने कहा ये बात करते नहीं हैं, डोंट टॉक लाइक दिस, चुप हो जाओ। हम बस में वापस जा रहे थे उस वक्त, मुझे याद है 6X नाम की बस होती थी जो हमको ले जाती थी। तो मैंने वो अपने पिताजी से पूछा कि ये ऐसी कन्वर्सेशन कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि दिल्ली में कोई मेडिवल टेम्पल क्यों नहीं है, बड़ा टेम्पल क्यों नहीं है? तो मेरे पिताजी ने कहा देखो ऐसे बात नहीं किया करते। तो ये प्रश्न मेरे मन में हमेशा रहा। फिर मैंने ये खुद खोज करने की कोशिश की। हमारा घर जो था, हमारे गृह में जो था, वो कोई धार्मिक कोई ऐसा नहीं था। माताजी पूजा वगैरह करती थी और मैं ह्यूमैनिटीज़ में, मनोविज्ञान में मेरी जो है रुचि थी। तो फिर मैंने कई लोगों से पूछा कि भाई
क्या बिरला मंदिर जैसा और कोई बड़ा टेंपल नहीं है 100 साल 200 साल 300 साल पुराना, जबकि चारों तरफ हमें मस्जिद दिखते हैं, सुनहरी मस्जिद, जामा मस्जिद, 300-400 साल पुराने जो दूर से दिख जाते हैं, लेकिन कोई दूर से दिखने वाला हिंदू मंदिर तो नहीं दिखता जी। राइट, यहाँ तक कि जो दिल्ली का सबसे पुराना चर्च है वो भी 300 साल पुराना है, सेंट जेम्स चर्च, जो दूर से जो है दिखता है, तो उसके सिमिलर साइज का भी कोई टेंपल नहीं है जी। राइट, तो उसके बाद मुझे पता चला कि दिल्ली में जो दूसरा मंदिर है जो पुराना है सबसे, वो है योगमाया टेंपल यहाँ पे जो है। तो मैं उसको जब देखने के लिए आया तो मैंने देखा कि वो एक छोटा सा मंदिर है। राइट, और मुझे देख के ये हुआ कि जहाँ पे हम हिंदुओं को ये शिल्प शास्त्र आता है और हमने इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं जैसे साउथ में, तो ये ऐसा कोई भी मंदिर दिल्ली में क्यों नहीं है, जबकि दिल्ली हिंदुओं की एक मेजर सिटी रह चुकी है। राइट, ये मैंने हिस्टोरियन से, आर्कियोलॉजिस्ट से पूछा, लेकिन किसी के पास इसका कोई जो है जवाब जो है वो नहीं आया। तो द एब्सेंस ऑफ अ टेम्पल इज़ द एविडेंस ऑफ अ फैक्ट ऑफ हिस्ट्री दैट वी नीड टू टेक नोट, कि ये जो है मंदिर इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदुओं ने मंदिर बनाया नहीं, और वो उन्होंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसके लिए कोई जो है रूल था कि जो स्पायर है टेंपल का वो दूर से नहीं दिखेगा, और तीसरी बात जो ये है कि एक डर पैदा हो गया था कि इतने सारे टेंपल्स, इतने सारे अगर वो तोड़े जाते हैं और मुझे जो है पनिशमेंट मिलती है, तो इसके कारण जो है मैं कोई मंदिर जो है हम नहीं बनाएंगे। तो इसलिए ये जो शिल्प कला है, शिल्प शास्त्र जो है, करीब 1000 वर्ष तक जो है दिल्ली में किसी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। और जब मैंने 1939 में जो बिरला मंदिर बना था, जब मैंने उसका इतिहास देखा, तो मैंने देखा कि ये उस वक्त बना था जब फ्रीडम मूवमेंट, हमारे देश की आज़ादी का जोश एकदम पीक पे था, तो वो जोश ट्रांसफ़र होके आया हिंदुओं में कि हमें एक मंदिर बनाना चाहिए, क्योंकि बिरलास तो उसके 100 साल पहले से भी थे, उनके पास पैसा इतना था वो 100 साल पहले भी वो मंदिर बना सकते थे, लेकिन जो फ्रीडम मूवमेंट का जो जोश था वो ट्रांसलेट होके आया और तब जो है ये मंदिर बना। जो मुझे दूसरी बात लगी वो बहुत ही अचंभा वाली, कि इसका इनॉगुरेशन करने गांधी जी जो है वो खुद आए थे जी। राइट, गांधी जी कभी मंदिर का इनॉगुरेशन नहीं करना जाते थे क्योंकि वो जो है समझते थे कि इससे मुस्लिम्स एलिनेट हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है, ये मेरा विश्वास है, ये मैं प्रूव नहीं कर सकता, कि उनको पता था कि ये कितना बड़ा इवेंट है कि 1000 साल बाद जो है दिल्ली में कोई बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर दोबारा बन रहा है, और वो उसमें जो है हिस्सा बनना चाहते थे, और ये लगता था कि जब भी ये पता चलेगा तो जो है उससे मेरी प्रतिष्ठा ही जो है इस पर लिंक बढ़ेगी, वो लिंक रहेगा। तो ये उसका इतिहास है, और ये इतिहास जो है मैं नहीं समझता कि हम में से किसी ने इस पे शोध कार्य किया है, रिसर्च कार्य किया है। मैंने बिरला मंदिर में जाके ये पूछा था कि आप मुझे उस वक्त का जो है कोई एविडेंस वगैरह कुछ वो दे सकते हैं या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा था नहीं, हम इसमें जो है वो जाना नहीं चाहते हैं, तो ये हमारा वो है। तो उससे मैं आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि हमारी हिंदुओं की ये जो है पैटर्न रही है कि हम डिनायल में रह चुके हैं, हम सत्य को जो है सामने उसको हटा देते हैं, उसको कवर कर देते हैं ताकि वो जो है हमें न दिख सके। ऐसे ही हमने सदियों गुजारे हैं डिनायल में रहकर, और मैं ये समझता हूँ कि इसी का जो है कारण है कि इतने दिनों तक न तो कोई मंदिर बन पाया और न ही जो है उसका इतिहास जो है वो हम सामने ला पाए हैं, वो अब जो है हमको लाना है। कालका जी मंदिर है, हाँ जी, सबसे पौराणिक देवी का मंदिर बताया जाता है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ वो दिल्ली के ऐतिहासिक मंदिरों में मिडविल पीरियड से भी कनेक्टेड, आई थिंक टूटा फूटा मंदिर है, विशाल आज तो नहीं है लेकिन कभी रहा होगा, रहा होगा, ऐसा खंडरों से नजर आता है, लेकिन उस मंदिर का भी जीर्णोद्धार रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, तो ऐसा खौफ हिंदुओं में बना रहा अंग्रेजों की सत्ता में भी और उससे पहले भी जो विदेशी सत्ताएं रही उनका भी, कि मंदिर बनाने के लिए हिंदू बहुल होने के बावजूद भी हाँ जी वो लोग प्रयास नहीं कर पाए। आज की जो स्थिति है, हिंदू आज भी बहुलता में है,
मंदिर बन भी रहे हैं और बड़े मंदिर बने हैं। मेहरौली में ही काफ़ी बड़ा मंदिर बना। झंडेवालान जहाँ से आरएसएस का कार्यालय चलता है, उन्होंने भी उस मंदिर को बड़ा बनाने का प्रयास किया, लेकिन स्थान कम है तो, लेकिन मंदिर डेवलप हुआ। झंडेवालान देवी का मंदिर पौराणिक नहीं है लेकिन पुराना बताया जाता है। तो विशाल मंदिरों की अनुपस्थिति जो असंभव नजर आती है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि विशाल मंदिर ना हो, जब हिंदुओं की इतनी बड़ी आबादी है और पूरे भारत के अंदर बड़े बड़े विशाल मंदिर हिंदुओं ने बनाए हैं। तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में नहीं बनाए गए, ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो सकता। तो आपको क्या लगता है कि ये मंदिर बनाने के लिए प्रयास नहीं किया गया या उनको रोक दिया गया? मेरे ख्याल से आपका जो है प्रश्न है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं कालकाजी मंदिर में गया हूँ और बाकी जो मंदिर है वो प्राचीन तो है लेकिन उनका कोई जो है भव्य स्ट्रक्चर नहीं है। और सबसे मंदिर में जो इम्पॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात देखी जाती है वो है उसका स्पायर, वो कितनी दूर से देखा जाता है। तो दिल्ली में एक एडिक्ट भी था कि कोई भी मंदिर का स्पायर जो है वो 15-20 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये एक फरमान भी जो है वो जारी हुआ था। ये अनऑफिशियली तो चलता रहा, फिर फरमान भी एक जारी हुआ था कि कोई भी मंदिर जो उसका स्पायर है वो दूर से जो है देखा नहीं जाना चाहिए। तो ये इसका जो है मुख्य कारण रह चुका है कि कोई मंदिर जो है उसका कोई भव्य स्ट्रक्चर, कोई भव्य जो है शिल्पशास्त्र से जो है किसी ने वो बनाने की कोशिश नहीं की। जो प्राचीन मंदिर थे वो दिल्ली में जो है ध्वंस कर दिए गए, जैसे कुतुब मीनार है वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो है ये 27 मंदिरों का अवशेष जो है वो करके जो है वो बनाया गया है, राइट। जो कालकाजी मंदिर है या जो अन्य भव्य मंदिर किसी ज़माने में रहे होंगे वो ध्वंस हो गए होंगे। और अगर मैं एक मनोवैज्ञानिक ढंग से इसको देखूं, जब मंदिर ध्वंस होता है तो उसके आसपास के जो लोग होते हैं, जो उनके लिए एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होता है, जो एक स्पिरिचुअल वो एनर्जी को रिप्लेनिश करने का पॉइंट होता है, अगर वो टूट जाता है तो वो ट्रॉमा में आ जाते हैं, राइट। अगर कोई धार्मिक स्ट्रक्चर आप तोड़ें, किसी भी मान लीजिए अगर धर्म का तोड़ें, तो उस धर्म के साथ जो वहाँ पे पूजा करने या प्रे करने या नमाज पढ़ने कोई भी अगर ऐसे जाए तो उनको जो है एक बहुत ट्रॉमेटिक ये होगा, राइट। और हिंदुओं के साथ ट्रॉमा का मतलब सदमा होता है हिंदी में, तो वो एक सदमा जिसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, तो वो क्रिएट होगा, ये हम सब मानते हैं। और इसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं विश्व भर में, जैसे अगर हम यूएसए में देखें नेटिव अमेरिकन्स का, उनके जो सेक्रेड स्पेसेस थे जिनको वो सेक्रेड स्पेस कहते हैं वो वाइट्स ने डिस्ट्रॉय किए, लेकिन वो उसको भूले नहीं। तो जैसे कुछ दिनों पहले जो है वो एक जगह पे एकत्रित हुए जहाँ पे एक जो है फैक्ट्री बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये एक हमारे लिए सेक्रेड स्पेस है, यहाँ पे हम हमारे एंसेस्टर्स द्वारा जो है ये स्पेस डिफाइन की गई है, तो ये हम यहाँ पे बनने नहीं देंगे। विश्व भर के लोगों ने उनको सपोर्ट किया, इंटेलेक्चुअल्स ने, राइट। अगर हम वही एनालॉजी हमारे यहाँ पे देखें हिंदुओं का, अगर हिंदू एक जगह इकट्ठा एकत्रित होकर कहें कि ये एक सेक्रेट स्पेस है, यहाँ पे एक मंदिर था और इसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, अनफॉर्चुनेटली जो है वैसा रिएक्शन जो है नहीं आएगा, ऐसा रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा बिकॉज ऑफ एंटी हिंदुइज्म दैट रन्स अक्रॉस थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट। ये जो है हमें समझना चाहिए कि विश्व भर में जो है फॉर द सेम रीज़न, जहाँ दूसरे लोगों के लिए सपोर्ट आता है, नेटिव अमेरिकन्स के लिए आज बहुत सपोर्ट है, जो एबोरिजिनीज हैं उनके सेक्रेट स्पेसेस के लिए बहुत सपोर्ट है, जैसे भारत में वो एक माउंटेन था वो यहाँ पे कुछ दिनों पहले जहाँ पे उन्होंने एक फैक्ट्री बनाने की सोची, ये बाहर से जो वो कंपनी आई थी, तो उन लोगों ने कहा कि ये जो है पहाड़ के ऊपर हमारे एंसेस्टर्स का स्पिरिट है, मैं नाम नहीं ले रहा उसका लेकिन ये बहुत वेल नोन है। तो
उन्होंने इस बात को स्थगित कर दिया कि ठीक है हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे क्योंकि इनकी भावनाएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं और किसी ने इसके बारे में एविडेंस नहीं मांगा राइट, क्योंकि लोग अपनी भावनाओं के साथ खासतौर से जो है झूठ नहीं बोलते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। तो हिंदुओं की भावनाएं ऐसे सेक्रेट स्पॉट्स के साथ दिल्ली में कई जगह पे जो है पूरे भारत में अर्बुड से खासतौर से नॉर्थ इंडिया में और मिड इंडिया में जो है वो जुड़ी हुई है और ये भावना को जो है साइकोलॉजिकल साइको एनालिटिक व्यू पॉइंट से समझना जो है बहुत ज़रूरी है। मैंस रिलेशंस विद द सेक्रेट स्पेस, तो इसके ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं कि सेक्रेट स्पेस जो है उसके साथ एक मेमोरी एसोसिएटेड होती है जिसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जैसे राम जन्मभूमि है, उसको 500 साल पहले डिस्ट्रॉय तो कर दिया गया लेकिन उसकी मेमोरी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। वो मेमोरी हिंदूज़ ने अपने अंदर एज ओरल स्टोरी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन कैरी किया, जिसको इसका एक दूसरा भी टर्म है उसको हम कहते हैं ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा, एक ट्रॉमा जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो चलता रहता है। तो दिल्ली में जितने भी ये टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड हुए हैं उनके साथ एक ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा उस स्पेस के साथ एक मेमोरी एसोसिएटेड है जो एज ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा अक्रॉस जनरेशंस जो है वो चली है। इसका जो है यही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, मनोवैज्ञानिक जो है एक्सप्लेनेशन है कि कभी तो वहाँ पे भव्य मंदिर रहे होंगे लेकिन उसके बाद बिकॉज ऑफ ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा किसी ने वहाँ पे मंदिर बनाने की जो है हिम्मत नहीं की और आज धीरे धीरे मैं आशा करता हूँ कि जैसे ये ट्रॉमा ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे भव्य मंदिर भी जो है आने शुरू होंगे। ट्रॉमा को ख़त्म होने में जेनरेशंस लगते हैं, सदियों लगते हैं और ये रिसर्च करके देखा भी गया है कि जिन रेसेस के साथ जिन ग्रुप्स के साथ ट्रॉमा क्रिएट हुआ है तो उनका ट्रॉमा जो है वो सेंचुरीज लगता है। जैसे ब्लैक्स का ट्रॉमा है यूएसए में तो 200 साल पुराना जो है ट्रॉमा वो देखा गया है कि वो आज जो है वो बाहर आ रहा है और किस तरह से जो है ब्लैक्स आर लिंकिंग देमसेल्व्स टू देयर बीइंग अपरूटेड, जो उनको अपने रूट्स के साथ जो उनको डिसकनेक्ट कर दिया गया वो आज दोबारा उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो उसी तरह से हिंदूज जो है वो भी अपने रूट्स के साथ जो जिसके साथ उनको अलग कर दिया था और जो रूट्स उनके टेंपल हैं वो दोबारा जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं, यही मेरा अभिप्राय है। आपका कहना है कि जनरेशंस लग जाती हैं, हम 47 तक गुलाम रहे, अभी हम आज़ाद हैं ऐसा माना जा सकता है। इस पीरियड के अंदर 70 वर्ष के करीब हम आगे आ गए हैं, तो क्या अब जो जेनरेशन्स हैं उस ट्रॉमा से बाहर आई हैं? हाँ, अब वो जो जेनरेशन है वो उस ट्रॉमा के बारे में अवेयरनेस हो रही है जी। जो ट्रॉमा से निकलने का पहला वो होता है वो है प्रश्न उठाना जी। जैसा कि आप कुछ देर पहले हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो ट्रॉमा से निकलने का पहला वो होता है कि प्रश्न खड़े करना, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, जो मैं अपने सामने देख रहा हूँ वो रियलिटी को दर्शाता नहीं है, तो फिर जो है सच्चाई जो सत्य है वो क्या है। तो ये जो प्रश्न उठने शुरू होते हैं ये यूजुअली 2-3 जनरेशन्स बाद होते हैं जी। वो उसका रीज़न ये होता है, उसका कारण ये होता है कि जो पहले 2-3 जनरेशन्स होते हैं वो उनके लिए सर्वाइवल मेजर इशू होता है बिल्कुल राइट। जैसे मेरे पिताजी के लिए था वो उनके लिए सर्वाइवल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। उनका हर एक बात में जैसे ही मैं उनसे कोई प्रश्न पूछता था वो कहते हैं चुप रहो, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते। किसी और के साथ भी करें चुप रहो, इसके बारे में डिस्कस नहीं करते। क्योंकि वो जो एक डर था जिसको हम टेरर कहते हैं या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस कहते हैं, उसकी भाषा जो है साइलेंस होती है। उसकी वो एक कहावत है ट्रॉमा में, द लैंग्वेज ऑफ ट्रॉमा इज साइलेंस, मतलब हम
साइलेंस के अंदर ट्रॉमा को कैरी करते हैं, राइट? तो कोई भी बहुत बड़ा सदमा होता है जो पूरे समाज को जो उसको शांत कर देता है, हाँ, तो उसको जो है हम साइलेंट लैंग्वेज में जो है एक मतलब कैरी करते हैं। जैसे एक परिवार को ट्रॉमा हुआ है तो वो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन सबको परिवार में पता होगा कि जो है कौन सी जो है टॉपिक है उसके बारे में बात नहीं करनी। यही बात नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन हो जाती है कि इसके बारे में बात नहीं करनी, वही चलती रहती है टिल समबडी जो है बाद में वो उस फैक्ट को लेके उसको करता है। यानी तीन जनरेशन से हमारे परिवार में इसके बारे में बात क्यों नहीं करते, जैसे सवाल उठाते हैं। जैसे मेरे कई पेशेंट्स हैं वो कहते हैं कि हमने कभी भी पार्टीशन के बारे में बात करते हुए नहीं सुना, लेकिन जब भी कुछ पूछते थे कहते नहीं इसके बारे में बात नहीं करना, राइट? लेकिन क्यों नहीं करना? हम पता करेंगे कि क्या हुआ था, राइट? सो सेकेंड और थर्ड जनरेशन के लिए प्रश्न उठाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू बन जाता है, और वो जो है प्रश्न उठाते हैं और किसी बात को रिसर्च करते हैं, गहराई में जाते हैं, तभी जो है आज एक आप देख रहे हैं दैट देर इज़ अ टेक्टोनिक शिफ्ट, जिसको हम कहते हैं कि जैसे फॉल्ट लाइन्स सामने आ जाती हैं, और वही हो रहा है हमारे समाज में कि ये फॉल्ट लाइन्स बाहर आ रही है और हम प्रश्न उठा रहे हैं, और ये जो है इसका अंत जो है एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव आने पर, एक इतिहास को दोबारा से समझने पर, दोबारा से रिक्रिएट करने पर ही ख़त्म होगा। आपका मतलब है कि आज 70 वर्ष बाद हम पहली जो स्टेज है सवाल उठाने वाली उस पर आ चुके हैं, पुनर्जागरण का दौर शुरू हो चुका है। हाँ जी, शुरू हो चुका है। और ऐसा नज़र आता है कि अभी 10-20 साल में शायद हम उस दौर से आगे निकल जाएंगे। हाँ। उसके बाद भारत की दिशा क्या सनातन धर्म को लेकर होगी? हाँ। हिंदू राष्ट्र को लेकर होगी, या हमें जो अभी तक पढ़ाया जा रहा है जैसे सेकुलर कंट्री, सेकुलर नेशन, सेकुलर रूल्स, हम उनको अडॉप्ट करेंगे? नहीं, हम एक दूसरी दिशा में जा रहे हैं जी। जो हम अपने पास्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं जी। जो अगर आप आज की जनरेशन देखें, जो प्रश्न उठाने का मतलब ही होता है कि जो मुझे अभी तक पता था वो गलत है, वो सही नहीं है। तो मेरा ये अनुमान है कि हम एक हिंदू राष्ट्र की दिशा में, हम एक सनातन धर्म के विकसित करने की दिशा में, हम एक कम्प्लीटली दूसरे दिशा में जो है जा रहे हैं, क्योंकि जो हिंदू धर्म है उसने सबका जो है अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया है, राइट? तो सेक्युलरिज्म अब्सॉर्प्शन को नहीं सिखाता। सेक्युलरिज्म कहता है कि आप डिस्टेंट रहो, लेकिन अगर सेक्युलरिज्म को आप हिस्टोरिकल एंगल से देखें तो हिंदू धर्म जो है सेक्युलर न बल्कि ये सेक्युलर रहा है, बल्कि सेक्युलर से बहुत कुछ ज़्यादा रहा है। इसने सबको अपने अंदर एक अम्ब्रेला की भ्रांति जो है आश्रय दिया है, लेकिन सेक्युलरिज्म को जब आप पढ़ते हैं आप हिंदू धर्म का कहीं मेंशन नहीं देखते जी, राइट? तो मुझे मेरा पूर्ण ये अनुमान है कि अगले 15-20 सालों में हम उस दिशा में प्रगति कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके कहने का जो मुझे लग रहा है, हम सेक्युलरिज्म के दायरे से बाहर हिंदुइज्म हाँ जी है, और वो सेक्युलरिज्म को भी अपने अंदर ही रखता है। ये हिंदुइज्म है हाँ। जिसने सेकुलरिज्म उसका एक पार्ट हो सकता है, हिंदुइज्म कभी सेकुलरिज्म का पार्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल, आप अगर देखें जो वर्ड सेक्युलर है वो यूरोप से आया है, और यूरोप में जो है क्योंकि चर्च सबको कंट्रोल करता था जी, राजा को भी, सब आपके डेली लाइफ को भी, मोरल लाइफ को भी, एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड। तो उसके अगेंस्ट एक रिबेलियन हुआ कि इन दोनों को जो है सेपरेट करना है, और सेक्युलरिज्म की हिस्ट्री जो है उसके साथ जुड़ी हुई है, राइट? इंडिया में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, बिल्कुल, राइट? तो इंडिया में जो है सेक्युलरिज्म का जो है मतलब ही नहीं बनता है। जिस देश के लोग हरेक को अपने देश में आके आश्रय देने की बात करते हैं, वहाँ पे सेक्युलरिज्म का जो है मतलब उत्थान करने का मतलब सवाल, प्रश्न ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल, और जो किसी को अपना धर्म बदलने के लिए, अपनी पूजा पत्ती बदलने के लिए ना तो प्रेरित करना चाहते हैं, राइट, और ना ही दबाव में लाकर उससे ये सब करवाना चाहते हैं। श्योर, तो सेकुलरिज्म के दायरे से भी बढ़कर एक बड़ी भावना है यहाँ, बहुत बड़ी। सेकुलरिज्म कहीं ना कहीं आपको गाइड करता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे,
लेकिन हिंदू धर्म अपने आप ही ये तय करता है कि हम ये सब जानते ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं. श्योर, ये पर्सनल इश्यूज हैं. जब यहाँ पे जूस आए थे पहली बार, जब क्रिश्चियंस आए थे, जब मुस्लिम्स आए थे, तो जो वहाँ के राजा थे, जहाँ पे उन्होंने जाके आश्रय लिया, उन्होंने उनको ये कहा था कि आपको अपने धर्म के बारे में, आपको अपने पूजा पद्धति के बारे में कोई परिवर्तन नहीं लाना पड़ेगा, आपको पूर्ण अनुमति है, आप जैसे जो है करना चाहें. और वो सदियों तक चला आया है, किसी ने उसके साथ इंटरफेरेंस करने की कोशिश जो है नहीं की. तो ये जो आपने बिल्कुल सही बताया कि हिंदू धर्म का नेचर ही ये है कि वो सबको अब्सॉर्व कर लेता है. और सेक्युलरिज्म जो है वो हिस्टोरिकल वर्ड है, वो यूरोप की हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, वो इंडियन हिस्ट्री के साथ जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, उसके साथ उसका कोई जो है वो रिलेशनशिप नहीं है. रजत जी, दिल्ली की स्थितियों को देखते हुए और दिल्ली से बाहर निकलकर पूरे भारत की स्थितियों को देखते हुए, हम उत्तर भारत के बारे में अभी तक चर्चा कर रहे हैं. हाँ जी. दक्षिण भारत में जब हम जाते हैं, इस्लाम तो वहाँ भी फैला, अंग्रेजों ने तो रूल वहाँ भी किया, लेकिन वहाँ के जो हिंदू मंदिर हैं अभी भी उसी स्थिति में हैं, बचे हुए हैं, टूट नहीं पाए या उन्हें तोड़ा नहीं गया या तोड़ने नहीं दिया गया, ये डिफरेंस कैसे नज़र आता है? मेरे ख्याल से जिस तरह से जो इन्वेडर्स थे जो भारत में आए, उन्होंने जिस तरह का तांडव नॉर्थ में दक्षिण में मचाया, वो उन्होंने दक्षिण में जो है वो नहीं मचाया. अगर आप देखें कि जैसे कश्मीर में उन्होंने जिस तरह का नरसंहार किया, वो भारत के दक्षिण में उन्होंने जो है इस तरह से इन्वेडर्स वो उतनी दूर तक गए नहीं. जो भारत का जो वेल्थ था वो उन्होंने नॉर्थ में इतना पाया कि शायद वो हो सकता है कि दे फेल्ट दैट देर इज़ नो नीड टू गो फर्दर. ये उनका जो है मुझे लगता है. और दूसरा ये भी है कि नॉर्थ में जितना उनको अपोजिशन मिला, जितना उनके साथ लड़ाई हुआ, उनका पूरा आक्रोश जो था वो नॉर्थ के ऊपर था. और मेरे ख्याल से हज़ारों की संख्या में मंदिर जो है वो डिस्ट्रॉय करने के बाद, एनाइहिलेट करने के बाद, उन्होंने सोचा होगा कि जो है यहाँ तक हम रुक जाते हैं, उसके बाद हम बाकी फिर करेंगे. उनका उद्देश्य तो पूरा ही रहा होगा, क्योंकि औरंगज़ेब जो था उसने पूरे भारत में जो है वो किया था. लेकिन जहाँ भारत जहाँ तक वो बढ़ पाए थे, उसके आगे वो बढ़ नहीं पाए, उसके आगे उनकी शायद हिम्मत नहीं हुई. तो इसके लिए जो है रिसर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अगर देखें कि उनका इंटेंशन पूरा था, उन्होंने नॉर्थ इंडिया को जो है बिल्कुल टेंपल फ्री कर दिया. अगर आप मारतंड मंदिर देखें, अगर आप सोमनाथ का मंदिर देखें, अगर आप मध्य प्रदेश के मंदिर देखें, अगर आप दिल्ली उत्तर प्रदेश में देखें कि बड़े मंदिर जो भव्य मंदिर हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं. तो उनका पर्पस, जैसे कृष्ण जन्म स्थान है या जो मथुरा का मंदिर है या बनारस का जो मंदिर है, ये सारे पूरी तरह से इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए थे. इन्होंने ये सोचा होगा कि हमने जो है जो फोकल पॉइंट्स हैं मंदिर्स के, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट मंदिर माने जाते थे, उनको डिस्ट्रॉय किया है, नेक्स्ट फेज में अब करेंगे. तो अगर ये मतलब मुस्लिम्स और थोड़े साल रहते जो है इसमें, तो ये अवश्य जो है मुस्लिम इन्वेडर्स जो है इसको डिस्ट्रॉय कर देते. आप साइकोलॉजी आपका विषय है, मुस्लिम इन्वेडर्स और मुस्लिम जनरल पर्सन जो है उनकी साइकोलॉजी को किस नज़रिए से देखते हैं? ये ऐसे जनरलाइज करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इन्वेडर जो होता है वो जैसे मुस्लिम इन्वेडर थे, दे केम विद दे वर रिलीजियसली इंडॉक्ट्रिनेटेड. वो रिलीजियस इंडॉक्ट्रिनेशन को लेके उनका वो था. और ये जो अक्सर इतिहास में वो पढ़ाया जाता है, ये जो अक्सर इतिहास में कहा जाता है कि ये इकोनॉमिक पर्पस के डिस्ट्रॉय के लिए आए थे, वो मैं बिल्कुल उससे सहमत नहीं हूँ. क्योंकि अगर इकोनॉमिक पर्पस के लिए आते तो वो मंदिरों को ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं करते, क्योंकि मंदिर तो इकोनॉमी के साथ जुड़े ही नहीं थे. राइट. तो हो सकता है कुछ मंदिर जुड़े हों, लेकिन इस तरह से मास लेवल पे मंदिरों को डिस्ट्रॉय करना,
ये उनका जो है रिलीजियस जो है मोटिवेशन था, ये मैं पूरी तरह से मानता हूँ. राइट, जो एवरेज मुस्लिम हैं वो मैं देखता हूँ कि उनको इस बारे में ज़्यादा जो है अवेयरनेस नहीं है. एक तो पहली बात ये है. दूसरा, वो इसके बारे में डिस्कस जो है हमारे भारत में शुरुआत नहीं हुई है इसके बारे में. बिल्कुल, जैसे डायलॉग होना उसके लिए एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदूज ने कभी ये नहीं बताया कि मंदिरों के डिस्ट्रक्शन से उन पर क्या असर हुआ है. बिल्कुल, कहीं पे कोई रिकॉर्ड नहीं है. और उसका एक ही जो है मीनिंग हो सकता है कि व्हेन पीपल आर टेरोराइज्ड दे डोंट स्पीक. यस, तो हम इतने दिनों तक जो ये टेरोराइज्ड रहे, इसके कारण हमने जो है हिंदूज ने कोई बात नहीं की. और अब ये समय आ गया है इसके बारे में कि हम बात करना शुरू करें. देर कैन बी अ ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, यू नो, दैट कैन लुक एट दिस हिस्टोरिकल इनजस्टिस इन द कंट्री. राइट, सो दैट्स व्हाट आई फील कि ये जो है ये एवरेज मुस्लिम्स जो है उन्होंने इस पॉइंट पे आके जो है कभी कोई डिस्कशन या कभी उनकी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इसके बारे में कभी रेज नहीं किया है. मेरे एक मित्र हैं जो इसके बारे में, वो मुस्लिम हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे. तो वो कहते हैं कि हम में से कुछ मुस्लिम्स को इस बात की हम अवगत हैं, हम इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो है क्या किया और उन्होंने इस देश पे जो है कितनी जो है उसका हिंदुओं की आस्था पर, हिंदुओं की उसको तोड़ने की कोशिश की. तो आज जो है हम ये समझते हैं कि अगर उसके बारे में एक डायलॉग शुरू हो तो इट कैन लीड टू लॉट ऑफ हीलिंग, सत्य के लिए सर्चिंग फॉर ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन. इट कैन लीड टू दैट. अगर विश्व के बाकी देश जो है वहाँ पे हम मतलब वी कैन टॉक अबाउट सत्य, रिकन्सिलिएशन एंड अदर इश्यूज, तो कम से कम हमें यहाँ पे प्रयास जो है वो करना चाहिए हिंदूज को ये कहने के लिए कि उनके साथ जो ये हुआ उससे उन पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो है एक समाज की दृष्टि से क्या असर हुआ. अगर मुस्लिम जो है इस बात को समझे कि उनके पूर्वजों ने जो है किस तरह से ये किया हिंदुओं पे और किस तरह से उनके पूर्वज जो है उन्होंने अपना धर्मांतरण किया ज़्यादातर लोगों ने, तो इस बात को इतिहास, इस बात के इतिहास में जाना, हमारे देश के इतिहास में जाना बहुत ही आवश्यक है. हर कोई देश अपने इतिहास में जाता है, वो सर्च करते हैं, हम क्यों नहीं करते. हम ये क्यों कहते हैं कि अगर आप करेंगे तो उससे जो है भावनाओं को जो उसमें लोग बहक जाएंगे, दंगा होगा. मेरे पुस्तक के बारे में लोगों ने कहा था कि ये बुक जो है वो राइट्स क्रिएट करेगी. राइट, लेकिन जितने लोगों ने इसको पढ़ा है वो किसी ने जो है वो मतलब ये नहीं कहा कि इसको पढ़ के हमें ज़्यादा गुस्सा है. आपकी पुस्तक को लेकर एक प्रश्न था अभी. Sure. और आपने उस पर शुरू कर दिया. इनफिडेल नेक्स्ट डोर ये टाइटल है. इस टाइटल में काफी चीजें छुपी हुई है. हाँ जी, आप इस टाइटल को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? ये मेरे एक जो है कल्पना है कि जो अगर एक मंदिर और एक मस्जिद जो है साथ साथ हो. राइट, तो अगर उसमें दोनों यंग उसके एक पुजारी हो और एक मौलवी हो, तो अगर उनके बीच में वार्तालाप हो तो वो वार्तालाप किस प्रकार की होगी. राइट, और ये मैंने देखा जैसे कश्मीर में है बहुत सारे मंदिर जो हैं उन पे जो है इनक्रोचमेंट्स हो रहे हैं. आधे जगह पे जो है वो मस्जिद बन जाता है, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा इनक्रोच करने के लिए जो है वो कोशिश करते हैं. तो इसमें अगर दोनों साथ साथ हो, एक जगह पे पंडित हो, एक जगह पे जो है एक मौलवी हो, तो अगर उनके बीच में डिस्कशन हो, डायलॉग हो, तो वो किस नेचर का होगा, किस तरह के इश्यूज सामने आएंगे. तो दैट इज़ वाई द टाइटल इज़ इनफिडेल नेक्स्ट डोर. राइट, ओके. इसको जो है विश्व के काफ़ी मतलब स्कॉलर्स ने, मनोवैज्ञानिकों ने पढ़ा है और उन्होंने अपनी राय दी है. मैनी पीस एक्टिविस्ट्स एंड लॉरियट्स हैव रेड दिस बुक एंड दे हैव सेड
दैट इट टॉक्स अबाउट डायमेंशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो हमको जो है इसके बारे में हम बिल्कुल भी अवगत नहीं थे. राइट, विश्व के एक बहुत बड़े प्रख्यात वो है वामिक बाल्कन के नाम से, जो 5 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुए हैं. उन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा है और अपनी राय दी है कि ये जो पुस्तक है इसने मुझे हिंदुओं के बारे में उनके ऊपर क्या जो है सदमा गुजरी है उसके बारे में मुझे जानने में जो है इसका जो है मुझे पता चला है, जो मुझे बिल्कुल पता नहीं था. जिन लोगों ने पढ़ा है उन्होंने कहा है कि ये कश्मीर का एक बैलेंस्ड व्यू प्रेजेंट करता है. धन्यवाद रज जी. धन्यवाद. आपने हमें और हमारे दर्शकों को दिशा दी है. दिल्ली और हिंदू और देश, हिंदू किस ट्रॉमा से गुजरा है उसके बारे में बताने की जो बात है, जो विषय रखा गया है, पूरे देश को पूरे विश्व को समझने की आवश्यकता है. हिंदुओं से डरने की आवश्यकता नहीं है. हिंदुओं ने कभी किसी को डराया नहीं है. हिंदू डरा हुआ है पुराने अपराधों से जो उसके प्रति किए गए. उन अपराधों से डरकर वो दोबारा ना हो पाए उससे बचने के लिए हिंदू संगठित होना चाह रहा है, एक सूत्र में बंधना चाह रहा है, लेकिन किसी को डराने के लिए नहीं. जय हिंद, जय भारत.